हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज की जो मैथ की क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें से यानी कि एग्जाम में एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम हो, किसी भी टाइप के एग्जाम हो, कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें से एक क्वेश्चन तो इसमें से आता ही है। तो यानी कि दशमलव और भिन्न का जो टॉपिक है वो आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वो थ्योरेटिकल टाइप में पढ़ रहे हैं। थोड़े दिनों बाद में यानी कि जो थ्योरेटिकल हो जाएगा कम्प्लीट, उसके बाद में हम क्वेश्चन यानी प्रैक्टिकल सेट भी देखेंगे। तभी थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, तो यानी कि दशमलव और भिन्न की जो थ्योरेटिकल टाइप है उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो यानी कि भिन्न भिन्न क्या होती है, भिन्न क्या चीज होती है। यदि कोई इकाई किसी संख्या को एक या एक से अधिक समान भागों में विभाजित करती है तो यह भाग उस इकाई के भिन्न कहलाते हैं। यानी कि इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं भिन्न को। क्यू है ना वो जीरो के बराबर नहीं होता, क्यू जीरो नहीं हो सकता कभी भी। इसमें पी को भिन्न का अंश तथा क्यू का भिन्न का हर कहते हैं। यदि अब अगला तत्व देखिए, यदि ए बटा बी तथा सी बटा डी दो भिन्न है तो ए डी ग्रेटर देन क्या होगा, बी सी। तब यानी कि क्या होगा, ए अपॉन बी ग्रेटर देन सी अपॉन डी होगा। यदि दी गई भिन्न के अंशों व हरों का अंतर समान हो तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी तथा सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होती है। अब जो भिन्न के प्रकार, भिन्न के जो है ना वो बहुत से प्रकार है, जो प्रमुख जो महत्वपूर्ण प्रकार है उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होती है, दशमलव वे भिन्न होती है, वे भिन्न जिनके हर 10 या 10 के घात में हो वो क्या कहलाते हैं, दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे यानी कि 4/10, 9/10 आदि है ना, ये दशमलव भिन्न कहलाती है। अब दशमलव भिन्न वो भी बहुत प्रकार की होती है, तो उनमें सबसे पहले आता है शांत दशमलव भिन्न, सात दशमलव भिन्न या अवसान दशमलव भी बोलते हैं इनको। यानी कि वे भिन्न जिनके हर 2 की पावर n m के रूप में होते हैं वो क्या होते हैं, शांत दशमलव भिन्न कहलाती है। यानी कि 5/10, 12/100 आदि ये क्या कहलाती है, शांत दशमलव भिन्न कहलाती है। अब देखिए एस दूसरी आती है, दूसरा प्रकार आता है इसका अशांत भिन्न। अशांत भिन्न यानी अनवसान दशमलव, अनवसान दशमलव वे भिन्न है जिनके हर 2 की पावर n एंड यम्स या और 5 की पावर m के रूप में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अशांत दशमलव भिन्न कहलाते हैं। जैसे 4/15, 9/14 आदि क्या कहलाते हैं, अशांत दशमलव भिन्न कहलाते हैं। यदि किसी दशमलव भिन्न में अंकों के किसी समूह या अंक की पुनरावृत्ति हो रही हो तो वह भिन्न क्या कहलाती है, पुनरावृत्ति भिन्न कहलाती है। यानी कि जैसे देखते हैं 0.6666 आगे तक चल जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, 0.66/9 बराबर 2/3 हो जाएगी यह भिन्न। और 0.123636 इसमें यानी कि 0.236 को क्या है, बहुत बार है, तो यानी कि 12 30 -12 में से 9900 का भाग देंगे तो 102/825 हो जाएगी भिन्न। अब आते हैं उचित भिन्न, वे भिन्न जिनके अंश हर से कम होते हैं वो क्या कहलाती है, उचित भिन्न कहलाती है। अंश ना वो हर से कम होते हैं वो उचित भिन्न कहलाती है। जैसे 3/7, 4/9 आदि क्या है, उचित भिन्न है, इनमें अंश है ना वो हर से छोटा है। और ये अनुचित भिन्न, वे भिन्न जिनमें अंश है ना वो हर से अधिक होता है वो अनुचित भिन्न कहलाती है। जैसे इसमें अंश हो गया 9/7 और 5/4 उदाहरण है इसके, तो इसमें देख लेते हैं 9/7 में अंश 9 है और हर क्या है, 7 है, तो इनमें अंश क्या है 9 कितना, 7 से बड़ा है, तो यानी कि क्या हो जाएगी, अनुचित भिन्न हो जाएगी। 5/4 में 5 अंश है तो 4 हर है, तो यानी 5 4 से बड़ा है, तो यानी क्या हो जाएगी, अनुचित भिन्न हो जाएगी। अब भिन्नों की तुलना, भिन्नों की तुलना करने में, भिन्नों की तुलना वो विभिन्न प्रकार से की जाती है। तो भिन्नों की तुलना यानी कि करते हैं, सबसे पहले आता है भिन्नों को दशमलव रूप में परिवर्तित करके, भिन्नों को यानी दशमलव में परिवर्तित करके उसकी तुलना करते हैं, तो वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों की तुलना करनी हो तो उन्हें दशमलव रूप में परिवर्तित करके उनकी तुलना की जा सकती है। यानी जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों की तुलना करनी हो तो उन्हें दशमलव रूप में परिवर्तित करके उनकी तुलना की जा सकती है। उदाहरण के लिए 3/5 और 3/4 आ जाती है, 3/5 कितना हो गया 0.6 और 3/4 क्या हो गया 0.75। इसमें बड़ी भिन्न है वो 3/4 वो बड़ी भिन्न है, यानी कि 0.75 0.6 से क्या होती है, बड़ी होती है। और भिन्नों का हर समान करके, यानी भिन्नों का हर वो समान करके भी क्या कर सकते हैं, हम भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। यानी कि दिए गए भिन्नों में सभी भिन्नों के हरों का लेस से लेकर उसके हर समान कर लिए जाते हैं, फिर उनके अंशों की तुलना की जाती है। तो यानी कि बड़े अंश वाली क्या हो जाएगी, अगर हर समान हो जाएंगे तो यानी जिसका अंश बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ी भिन्न हो जाएगी।
देखिए उदाहरण के लिए 2/3, 2/3 को यानी कि 2/3 और 5/7 दो भिन्न है, तो इनमें यानी कि 2/3 को यानी कि 5/7 की जो हर है उनको समान कर लेते हैं, 2/3 को 7 से गुणा करते हैं ऊपर नीचे 14/21 हो जाती है, और 5/7 को 3 से गुणा कर लेते हैं तो 15/21 हो जाती है। तो इसमें यानी कि सब छोटी भिन्न कौन सी है, वो 2/3 है, वो छोटी भिन्न है। अब जब भिन्नों का योग कैसे किया जाता है, जब हर समान हो तो भिन्नों का योग कैसे करते हैं, जब हर समान हो यानी ए सही बी अपॉन सी प्लस डी सही ई अपॉन सी, तो क्या हो जाएगा, इनका हर समान है सी सी, तो ए प्लस डी प्लस बी प्लस ई अपॉन सी, ये हो जाएगा हर समान हो। तो यदि हर असमान हो, यदि हर असमान हो तो यानी कि भिन्नों का योग क्या हो जाएगा, भिन्नों का योग हो जाएगा ए सही बी अपॉन सी प्लस डी सही ई अपॉन एफ का योग हो जाएगा ए प्लस डी प्लस b इंटू एफ प्लस सी इंटू ई अपॉन सी इंटू एफ, ये हो जाएगा इसका योग हो जाएगा। अब देखिए भिन्नों का अंतर, भिन्नों का अंतर करते हैं तो इसमें देखते हैं भिन्नों का अंतर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले यानी कि हर समान हो तो भिन्नों का अंतर कैसे किया जाता है, तो दो भिन्न है a सही b अपॉन सी माइनस दूसरी भिन्न d सही e अपॉन सी, इनका अंतर किया जाता है, तो यानी कि a माइनस d अंतर हो जाएगा a माइनस d प्लस b माइनस e अपॉन सी, इनका अंतर हो गया। अब जब हर असमान हो, जब हर असमान हो तो यानी भिन्नों का अंतर क्या हो जाएगा, दो भिन्न है, पहले भिन्न आते a अपॉन a सही b अपॉन सी, दूसरी भिन्न आते d सही e अपॉन एफ, इनका अंतर हो जाएगा, वो हो जाएगा a माइनस d प्लस b इंटू एफ माइनस सी इंटू ई अपॉन सी इंटू एफ, हो गया। इसी के साथ जो आज का हमारा जो वीडियो था भिन्न एवं दशमलव का, वो समाप्त होता है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल स्काई स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो था वो खत्म होता है, समाप्त होता है। जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।